हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ पुनीत, बिल्कुल झकास। और उम्मीद करता हूँ आप भी होंगे बिल्कुल झकास। तो दोस्तों, ये वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली, मेरे साथ अभी कुछ एक इंसिडेंट कहो, एक्सीडेंट कहो, कुछ हुआ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। देखो, मैं तो सेफ साइड पर बच गया, लेकिन हो सकता है वो आपके साथ भी हो और कुछ भी हो सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को उसकी सेफ साइड यानी कैसे उससे बचें ये बताऊं। तो हुआ यूं, मैं हाईवे पर बाइक राइड करके नॉर्मल मैं करता हूँ, घूमता हूँ, आया घर पर, तो मैंने अपने शू को देखा, जूते को देखा, तो जो ब्रेक साइड वाला जूता था, यानी कि राइट साइड वाला जूता था, उस पर लेदर का शू था, उस पर काफी जबरदस्त एक गड्ढा सा या एक मार्क सा बना हुआ था। मुझे पहले तो समझ में नहीं आया क्या मार्क है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मुझे समझ में आया कि ये किसी बड़े पत्थर या किसी बड़ी गिट्टी का निशान है। गिट्टी समझते हैं, जो बहुत बड़ा पत्थर होता है, पैना होता है, वो आकर मेरे जूते पर लगा। और मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे जूते पर कहते हैं डेंट सा आ गया, कुछ गड्ढा सा बन गया हो। तो शुरुआत में तो मुझे नॉर्मल लगा, लेकिन जब मैं बाइक पर गया और मैंने अपनी पोजीशन चेक की, देन आई वाज शॉक्ड। मैं ये सोच रहा था कि यदि मेरा शू नहीं होता, देन उस केस में क्या होता। नहीं, मेरे पैर पर तो नहीं लगता। एक्चुअली मेरी बाइक है सुपर मीटियोर 650 रॉयल एनफील्ड, तो उसमें बिल्कुल जूते के बिल्कुल पास ही रियर ब्रेक का मास्टर सिलेंडर है। तो बाई चांस यदि वो इतनी बड़ी गिट्टी या कंकड़ या पत्थर जो भी था, व्हाटएवर, वो जाकर उस मास्टर सिलेंडर में लगता, तो सोचिए क्या मिसहैप हो सकता था। मे बी वो काम करना बंद कर देता, ऑयल लाइन टूट सकती थी, उसमें कोई भी नट बोल्ट टेढ़ा ढीला कुछ भी हो सकता था। और मेरी स्पीड थी हाईवे पर अप्रॉक्स 100, 110 या 80, इसी के बीच में हम क्रूज करते हैं। उस केस में यदि मैं ब्रेक लगाता तो इन दैट केस क्या होता, वो तो मुझे घर पर आकर पता चला जूते ने रोक लिया। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसकी प्रोटेक्शन की जाए, और उसके लिए मैंने अपनी गाड़ी में कुछ लगवाया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कि यदि आप भी कोई भी बाइक रखते हो, डजंट मैटर कि आप रॉयल एनफील्ड रखते हो या सुपर मीटर रखते हो, कोई भी बाइक रखते हो और रियर डिस्क ब्रेक है, तो उसका जो मास्टर सिलेंडर है उसको हमेशा प्रोटेक्ट रखो यदि वो नीचे है तो, क्योंकि उसमें जरा सा भी कुछ भी हिट हुआ, इमीडिएट ब्रेक लाइन डैमेज होगी, फ्यूल लाइन जो होती है, फ्यूल ऑयल लाइन जो होती है वो डैमेज होगी, इमीडिएट ब्रेक खत्म हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने क्या लगवाया है, जिससे कि आगे फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये है वो चीज, इसे कहते हैं मास्टर सिलेंडर गार्ड। ये आप देख पा रहे होंगे, ये काफी मेटल का जबरदस्त, काफी मोटी इसकी पत्ती है, या इसकी बिल्ड जो है काफी मोटी है, और इसमें ये वेंटिलेशन के दिए हुए हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहां से ये पूरा कवर्ड है, यहां से कवर्ड है, और ऊपर से कवर्ड है, और साइड से तो खैर ये है ही। ये पूरा इतना पोर्शन कुछ भी डैमेज होता है, और इसके पीछे जो ये है, इसके पीछे मास्टर सिलेंडर होता है ब्रेक का, उस पर कुछ भी हिट करे। आप सोचिए मेरा पैर यहाँ था, हिट किया उसने किसी भी कंकड़ पत्थर कुछ भी हो, बाई चांस कुछ भी आपको नीचे से हिट करे, अब तो ये पूरी तरह से सेफ हो गया है, इधर से हिट करे तो उस कंडीशन में पूरा मास्टर सिलेंडर डैमेज हो सकता है और आपकी ब्रेकिंग कंप्लीटली खत्म हो सकती है। और साथ ही ये आप देख लोगे ऑयल रिजर्व, इस पर भी मैंने पूरे एकदम प्रोटेक्शन, ये आप देखते हैं प्लास्टिक का ये बना हुआ, आप अंदर से देख पा रहे होंगे, और इसके ऊपर मैंने प्रॉपर, ये देखिए ये यहाँ से पूरा कवर्ड है, कि बाई चांस इस पर भी यदि कोई पत्थर या कोई गिट्टी कुछ भी हिट करता है तो ये इसको डैमेज नहीं कर पाए। अच्छा, ये मेटल में है, ये प्लास्टिक में नहीं है, ये भी कंप्लीट मेटल और काफ़ी मोटी मेटल है इसकी, कोई हल्की फुल्की मेटल नहीं है, मतलब 32 बोर की शायद बुलेट भी झेल जाइए। और ये मुझे पड़ा है 1000 का, 1000 विद इंस्टॉलेशन, और ये जो कैप है ऑयल रिजर्वर का, ये मुझे पड़ा है 350 का। तो यदि आप गाड़ी चलाते हैं किसी भी तरह की, तो ये डिस्क ब्रेक का जो ये असेंबली आती है, इस पर कोई भी किसी भी तरह का कोई ना कोई प्रोटेक्शन ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो ये प्रोटेक्शन जरूर लगाइएगा। 1000-1500 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। आप ये मान लीजिए कि आप यदि पहाड़ों पर हैं और ढलान पर आप उतर रहे हैं, उससे पहले कुछ भी हिट कर गया, कुछ भी मास्टर सिलेंडर पर, तो आप नीचे कैसे उतरेंगे, क्योंकि उस टाइम ढलान पर उतरते वक्त हम फ्रंट ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, हमें रियर ब्रेक का ही सहारा लेना होता है, और रियर ब्रेक आपका डैमेज हो चुका होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ।
ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, 1000-1500, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको ज़रूर लगवाइएगा कोई भी गाड़ी आप चलाते हो। तो बस यही एक छोटा सा वीडियो था, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव था, ताकि बता सकूँ भाई मेरे साथ जो हुआ, एटलीस्ट आप में से किसी के साथ ना हो। और बस देखते रहिए और बने रहिए झगड़ा।